आपको स्वागत करता हूँ मेरे चैनल एंटरटेनमेंट में। सो फ्रेंड्स, इन प्रीवियस वीडियो हमने जाना था सेंटेंस, लेटर्स और वर्ड्स के बारे में। आज हम जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन सेंटेंस द वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। ईच पार्ट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं वो 8 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं उनके काम के हिसाब से। हर एक पार्ट को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन से हैं। देखो, फर्स्ट नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। देन कम टू नाउन। Noun is a name of a person, place, thing or animal. Noun एक नाम होता है person, place, thing or animal. Person, place, thing or animal के नाम को noun कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर person का नाम होता है तो यहाँ पर आप देखिए कुछ person का नाम, examples राहुल, दीप्ति, आदित्य, साई, पीयूष, शिवम, etc. अब यहाँ पर देखिए प्लेसेस का नाम। प्लेसेस का नाम क्या क्या है? इंडिया, एशिया, उड़ीसा, दिल्ली, भुवनेश्वर, टाउन, सिटी, कंट्री। अब देखिए एनिमल्स एंड बर्ड्स। काओ डॉग, कैट डॉग, एलिफेंट, पिकॉक, स्नेक्स एक्सेट्रा। अब देन थिंग्स यानी वस्तु। देखिए टेबल, चेयर, पेन, पेपर, बुक, टेलीविजन एक्सेट्रा। Then we'll know about kinds of nouns. Kinds of nouns are 5 types. First, proper noun, common noun, collective noun, material noun and abstract noun. Proper noun. Proper noun is the name of a particular person, place, thing or animal. Proper noun एक particular name होता है person, place, animal or thing का। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया है राम, हरी, सीता, पिंकी एक्सेट्रा। यहाँ पर अभी आप रिवर्स का भी देखिए, गंगा, यमुना, कावेरी एक्सेट्रा। अब आप कुछ कंट्रीज का देखिए, कुछ प्लेसेस का देखिए, इंडिया, एशिया, अमेरिका, रशिया एक्सेट्रा। अब मंथ्स, जनवरी, फरवरी, अगस्त एक्सेट्रा। अब यहाँ पर देखिए आप डेज, संडे, मंडे, सैटरडे एक्सेट्रा। अगर हम जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, माय नेम इज सिद्ध कृष्णा। जब भी हम किसी प्रॉपर नाम को लिखेंगे तब उसका हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, चाहे वो सेंटेंस के फर्स्ट में हो, लास्ट में हो या मिडिल में हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, माई नेम इज सिद्ध कृष्णा दास। तो यहाँ पर अगर मैं डी को अगर मैं ऐसे स्मॉल डी लिख देता तो क्या वो सेंटेंस सही होगा? नहीं। तो वैसे ही हम हमेशा प्रॉपर नाउन के फर्स्ट लेटर को कैपिटल लिखेंगे, चाहे वो सेंटेंस के जो भी साइड में हो। देन कम टू कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज अ नेम that can be used for all the persons, place or things that kind. Common noun वो name होता है जो कि सारे persons, places और things को समझाता है, पर उसी की तरह। जैसे कि अगर हम schools example देखिए, अगर हम school यहाँ पर लिए हैं तो वो सारे school को ही तो समझाता है ना, office को तो नहीं समझाता। वैसे ही अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, बॉयज। बॉयज हम क्या जान पाएंगे कि उसका नाम क्या है, वो कैसा बॉय है? सारे बॉयज को तो वो समझाता है ना, पर अगर हम लेंगे आदित्य तो वो सिर्फ पर्टिकुलर आदित्य को ही तो समझाता है ना। और पर देखिए बॉयज हो गया कॉमन नाम और आदित्य हो गया प्रॉपर नाम। वैसे ही अब यहाँ पर देखिए मैंने और कुछ एग्जांपल्स लिया है, स्टेट, कंट्री, रिवर एक्सेट्रा।
then come to collective noun. A collective noun is a name of a number of persons, places or things considered as one. Collective noun किसी thing के number को समझाता है, किसी thing के झुंड को समझाता है. यहाँ पर देखिए family, class, team, gang, herd मतलब जानवरों का झुंड, bunch, army etc. और भी आप कुछ बना सकते हैं जैसे कि bundle of sticks, bunch of flowers वैसे ही. Then come to material noun. Material noun. A material noun is a name of a thing which can be eaten, drunk, measured, weighed, but don't count it. Material noun एक ऐसी चीज का नाम होता है जो हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, उसका तल सकते हैं, उसका मेजर कर सकते हैं, पर हम उसको कभी गिन नहीं सकते. फॉर एग्जाम्पल आप देखिए वाटर, वाटर को हम पी सकते हैं पर हम उसको गिन सकते हैं नहीं. वैसे ही कुछ एग्जाम्पल्स हैं मिल्क, ऑयल, वुड, गोल्ड, सिल्वर, बटर, राइस, मीट एक्सेट्रा. देन कम टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन. Abstract noun is a such type of name which we can be thought or feel but do not see or touch. Abstract noun एक name होता है जिसको हम thought कर सकते हैं और feel कर सकते हैं पर हम उसको देख नहीं सकते और touch भी नहीं कर सकते. For example यहाँ पर देखिए happiness. Happiness को हम फील कर सकते हैं पर हम उसको देख सकते हैं नहीं. सैडनेस, सैडनेस को हम फील कर सकते हैं और थॉट भी कर सकते हैं, हम देख नहीं सकते उसे सिर्फ. और भी यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ. लव, हेट, काइंडनेस, गुडनेस, स्लीप, यूथ, ट्रूथ. फ्रेंड्स ये खत्म हुआ हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा. और अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा. मैं आपको अगली बार मिलूंगा एक नए वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.